हेलो गाइस, वेलकम टू ऑफिशियल नुमान। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम मोबीक्विक ऐप में 5 लाख रुपए तक का लोन किस तरह से पा सकते हैं, वो भी बिना गारंटी के। आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ, सो आज की इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले यहाँ पर आप मोबीक्विक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास डाउनलोडेड है तो आप इसको अपडेट कर लीजिए। हम इस ऐप को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। नीचे की तरफ लिखा हुआ है लोन इज अप्रूव्ड, गेट इट नाउ। हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है गेट अप टू 3 लाख। यहाँ पर मुझे 3 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है। अगर आपके मोबाइल में 5 लाख रुपए तक का लोन बता रहा है तो आप यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। जितना आपको यहाँ पर लिख कर दिखाएगा उतने तक का आप यहाँ पर लोन आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है येस आई एम इंटरेस्टेड। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर हमें लिखा हुआ है लेट स्टार्ट विद बेसिक पर्सनल डिटेल, जिसमें यहाँ पर हमें अपना पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, जेंडर, हमारा पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड करना होगा और हमें एक सेल्फी अपलोड करनी होगी। तो चलिए यहाँ पर ये सारी डिटेल हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये डिटेल पूछ रहे थे वो यहाँ पर हमने सारी एंटर कर दी है और यहाँ पर हमने अपने एक पैन कार्ड का फोटो और यहाँ पर हमने एक सेल्फी भी अपलोड कर दी है और अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यू। कंटिन्यू हम कर देते हैं एंड उसके बाद ये कह रहे हैं प्रोसेसिंग और उसके बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं करंट एड्रेस। यहाँ पर हमें अपना एड्रेस फिल करना होगा। तो चलिए यहाँ पर ये सारी डिटेल हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर रेजिडेंस टाइप में आपको करना है कि आपका घर अपना है, किराए का है या आपके मम्मी पापा का है। तो यहाँ पर आप वो सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर स्टेइंग ड्यूरेशन, आप कितने साल से या कितने महीने से आप रह रहे हैं इस एड्रेस पर। तो हमने ये सारा करंट एड्रेस यहाँ पर फिल कर दिया है। यहाँ पर हमने रेजिडेंस टाइप भी चूज कर लिया है आउंड और यहाँ पर हम कितने महीने या कितने साल से रह रहे हैं वो यहाँ पर हमने एंटर कर दिया और यहाँ पर हम कर लेते हैं कंटिन्यू। और उसके बाद ये कह रहा है अपलोड करंट एड्रेस प्रूफ। यहाँ पर आप एड्रेस प्रूफ ऐड कर लीजिए, जैसे कि आप यहाँ पर आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड को अपलोड करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देता हूँ और फ्रंट और बैक साइड की फोटो भी अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने अपने आधार कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड की फोटो क्लिक कर ली है। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं आई है हियर वाई, यहाँ पर ये कंडीशन है, हम इसको कर लेते हैं ओके। ओके करने के बाद ये कह रहे हैं प्रोसेसिंग। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और यहाँ पर ये कह रहे हैं प्लीज कन्फर्म योर प्रोफेशनल डिटेल, आप सैलरीड हैं या अपना काम है आपका। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड करने के बाद यहाँ पर मैं बिजनेस नेम, यहाँ पर मंथली इनकम और कितने साल से आप काम कर रहे हैं, ऑफिस एड्रेस, यहाँ पर ये सारी चीजें हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। और अब यहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यू। कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर ये कह रहे हैं प्रोसेसिंग। अब यहाँ पर लोन ऑफर डिटेल हमारे सामने आ रही है। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये कह रहे हैं प्रोसेसिंग। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो ऑफर है ये डिक्लाइन हो चुका है। अगर आपका इसी तरह से ऑफर डिक्लाइन हो जाता है तो आप इसको 30 दिन के बाद फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना लोन मिल रहा है और आपको महीने में कितना इंटरेस्ट पे करना होगा और कितनी आपकी EMI बनेगी मंथली। तो वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। थैंक यू।